नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा साइंस पॉलिटिकल और जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद हरियाणा के 12वें जिले के रूप में कब अस्तित्व में आया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद हरियाणा का 12वां जिला बना था, और फरीदाबाद जिले को औद्योगिक नगरी और मलिन बस्तियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी झज्जर जिले के। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के झज्जर जिले के अंतर्गत आता है, और झज्जर जिले की स्थापना 15 जुलाई 1997 को की गई थी, और झज्जर जिले को शहीदों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सोनीपत जिले में। गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है, और सोनीपत जिले की स्थापना 1972 को की गई थी, और सोनीपत जिले को सोने का शहर और एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला भिवानी में स्थित किस कस्बे को हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी चरखी दादरी को। जिला भिवानी में स्थित कस्बा चरखी दादरी, जो कि हरियाणा का सबसे लास्ट जिला भी है, हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त है, और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला भिवानी में स्थित चरखी दादरी का नाम सन 1939 में डालमिया दादरी रखा गया, इस कस्बे का नाम पुणे चरखी दादरी कब पड़ा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 1958 में। जिला भिवानी में स्थित चरखी दादरी का नाम सन 1939 में डालमिया दादरी रखा गया था, लेकिन इस कस्बे का पुणे चरखी दादरी नाम 1958 में रखा गया। अब बात करते हैं भिवानी जिले की। भिवानी जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को की गई थी, और भिवानी जिले को छोटी काशी, मंदिरों का शहर, भारत का क्यूबा, लिटिल क्यूबा और राजपूतानों के सिंह द्वार के नाम से भिवानी जिले को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला भिवानी में स्थित तोसाम नामक कस्बे को उपमंडल का दर्जा कब मिला था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 27 अप्रैल 1993 को जिला भिवानी में स्थित तोसाम नामक कस्बे को उपमंडल का दर्जा प्राप्त हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी यमुना नदी, जो कि पूर्वी हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा पर यमुना नदी बहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम में 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो बताइए कि यह पूर्व रेखांश के बीच में स्थित है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 74 डिग्री 28 मिनट से 73 डिग्री 36 मिनट, जो कि पूर्व रेखांश के बीच में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी हिमाचल प्रदेश, जो कि हरियाणा के उत्तर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब, जो कि हरियाणा के पश्चिम में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 1 नवंबर किस रूप में मनाया जाता है?
दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा दिवस के रूप में 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी, जो कि 17वां राज्य बना था। इसलिए 1 नवंबर को हर साल हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं और हरियाणा के वर्तमान CM मनोहर लाल जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा से बड़ा नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मेघालय, जो कि आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा से बड़ा नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की आबादी निम्नलिखित में से किस प्रदेश से अधिक है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी से, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम, इन तीनों से हरियाणा की आबादी अधिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 700 से 900 फीट, जो कि हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल की ऊंचाई पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तरी पूर्वी भाग में शिवालिक की पर्वत श्रेणियां स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश में गग्गर, टांगरी और मरकंडा, ये तीनों नदी निकलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी मैदानी भाग, जो कि प्राकृतिक भाग आपका सबसे बड़ा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मैदानी क्षेत्र में, प्रसिद्ध बीबीपुर और नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल का नाम सर्वप्रथम दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सेंट्रीओल, जो कि जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोटीन का संश्लेषण, जो कि कोशिकाओं में राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण संपादित नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी भोजन का ऑक्सीकरण, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी प्लास्टिड, जो कि सबसे बड़ा कोशिकांग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईसा पूर्व में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांगा गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1924 में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि
भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी M.N. Rai के द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान सभा को गठित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में प्रस्तुत की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 1936। कांग्रेस ने वर्ष 1936 ईस्वी में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी अजीत सिंह कौन थे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। चौधरी अजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये तीनों चौधरी अजीत सिंह थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म जीता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी जंगल क्राई। 11वें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलियों ग्रांट स्कीम की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी बजट 2021-22 में गलियों ग्रांट स्कीम की घोषणा की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने यूजिंग गलियों ग्रांट टू डेवलप एजुकेशन हब पर वेबिनार आयोजित किया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यूजिंग गलियों ग्रांट टू डेवलप एजुकेशन हब्स पर वेबिनार का आयोजन किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मेफ्लावर 400 जो कि दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के स्टालिन किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु। एम के स्टालिन के द्वारा तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी एम करुणानिधि जो कि तमिलनाडु में सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी चोराचारी में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी?
दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी वर्ष 1928 में लाहौर में सांडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी अमृतसर में। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पर हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी राम प्रसाद मिसमिल, जो कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 1935 का अधिनियम, जो कि भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।